दोस्तों स्वागत करता हूं आपका प्लम्बर स्पेशलिस्ट चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट एक जानकारी दूंगा दोस्तों बाथरूम फिटिंग से जुड़ी। अगर आप अपने बाथरूम का काम करवाना चाहते हैं कम बजट में, यानी दोस्तों आपको खर्चा भी ज़्यादा नहीं करवाना है लेकिन आपको काम अच्छा करवाना है, तो ये वीडियो खास आपके लिए है। तो यहाँ पर आज की इस वीडियो में दोस्तों कंसील मिक्सचर मैं लगाने वाला हूँ। दोस्तों ये बिल्कुल डाइवर्टर जैसा काम करेगा। आप जैसे दोस्तों कंसील डाइवर्टर लगाते हो तो डाइवर्टर के बदले में आप कंसील मिक्सचर लगा सकते हो। DCI का दोस्तों कंसील मिक्सचर है, यहाँ पे आप देख लीजिए। इसको मैं अनबॉक्सिंग करके आपको दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर इसमें भी आपको हॉट और कोल्ड वाटर का कनेक्शन मिलेगा और दोस्तों स्पॉट और शावर के लिए भी आप इसको ऑपरेट कर सकते हो। तो मैं आपको अभी पहले लगा देता हूँ, बाद में इसका प्राइस भी बताऊँगा। तो दोस्तों आप लोग लाइक करना भूल जाते हो, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो फटाफट इसमें मैं दोस्तों 1.5 का MEBD में टेपनोटेप लगा दिया था, तो इसको मैं फटाफट टाइट कर देता हूँ और आप लोगों को आगे बताता हूँ। यहाँ पे आप देख लीजिए 1.5 का MEBD लगेगा। तो इसमें 3 CBVC का MEBD मैं लगाया हूँ और 1 UPVC का MEBD लगाया हूँ दोस्तों, कोल्ड वाटर का पानी यानी ठंडा पानी का कनेक्शन के लिए। तो इसको मैं अब कंसील में इसको बिठा दिया हूँ और यहाँ पर मैं दोस्तों पूरा जो काम है कंसील का जितना हो सके मैं 1 इंच से करने वाला हूँ, क्योंकि पानी का प्रेशर, अगर आपका टैंक का हाइट कम होता है तो आपको दोस्तों बाथरूम का जो कंसील का लाइन है उसको आप जितना हो सके आप ज़्यादा रेंज का करना है। जैसे दोस्तों मैं यहाँ पे 1 इंच का कर रहा हूँ, तो 1 इंच का अगर आप करते हो तो आपका पानी का प्रेशर का कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। यहाँ पर आप देख लीजिए, इसको मैं नाप लेता हूँ यहाँ पर 1/2 का 1 T बिठाकर, क्योंकि वहाँ पर दोस्तों कंसील मिक्सचर में तो 1/2 इंच का कनेक्शन आएगा। बाकी का मैं जो पूरा लाइन दोस्तों यहाँ पर 1 इंच का करने वाला हूँ। यहाँ पे इसको मैं सॉल्यूशन देकर लगा दिया और टी को सीधा कर लेता हूँ। और आप देख लीजिए दोस्तों, मैं यहाँ पे 1.5 इंच का यहाँ पे पॉइंट एल्बो यूज करने वाला हूँ यहाँ पे इसमें। तो क्या है दोस्तों, पानी का प्रेशर कभी भी कम नहीं होगा। तो बहुत सारे भाई कमेंट करते हैं तो पानी का प्रेशर दोस्तों कम आता है, तो इसके वजह से आपको काम जो है दोस्तों ऐसे करना है तो आपका कभी भी पानी का फ्लो कम नहीं होगा। तो इसको मैं लगा देता हूँ दोस्तों और यहाँ पर 1-1 का टी लगाऊँगा यहाँ पर दोस्तों, क्योंकि मैं एक डायरेक्ट पॉइंट एल्बो यहाँ पे रखूँगा पानी लेने के लिए। उसके बाद मैं यहाँ पे इसको बिठा कर नाप लेता हूँ और कंसील मिक्सचर का सबसे पहले दोस्तों ठंडा पानी का कनेक्शन कर दूंगा मैं। तो इसको मैं लगा दिया हूँ, अब सॉल्यूशन देकर इसमें भी इसको फिट कर देता हूँ कंसील मिक्सचर को। तो और सीधा देखना पड़ेगा लगाते वक्त, यहाँ पर आप देख लीजिए बिल्कुल स्ट्रेट है। तो अब यहाँ पर दोस्तों यहाँ पे डायरेक्ट नल का मैं पॉइंट रखूँगा जो कि दोस्तों 1.5 का पॉइंट एल्बो से, क्योंकि यहाँ पे पानी का प्रेशर अगर वहाँ पे कम होता है तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा आएगा, तो यहाँ से यूज आसानी से हो जाएगा। ये आप देख लीजिए, और अगर आप ऐसे आप काम करते हो, अगर आपका टैंक का हाइट भी कम है तो आपको कभी भी प्रेशर पम्प का ज़रूरत नहीं आएगा। और आपका पानी क्या दोस्तों, पानी का जो फ्लो है आपका अच्छा होना चाहिए कोई कहीं भी आप काम करते हो, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर आप देख लीजिए दोस्तों, गरम पानी का कनेक्शन के लिए यहाँ पे मैं एल्बो नहीं लगाऊंगा, डबल 45 से इसका कनेक्शन करूँगा। आप देख लीजिए CBVC, अगर आप डबल 45 से ऐसे एल्बो बना सकते हो ताकि पानी आने में कोई रुकावट ना हो। अब इसमें मैं सॉल्यूशन लगा देता हूँ और इसमें भी दोस्तों क्या है, मतलब सेम का टुकड़ा आ रहा है, तो इसको मैं लगा देता हूँ यहाँ पर मिक्सचर के साथ में। इसको सीधा कर लेता हूँ एल्बो को। अब शावर लगा देता हूँ, ऊपर के साइड में शावर जा रहा है, तो इसमें मैं पॉइंट एल्बो लगा देता हूँ। पाइप और फिटिंग्स में दोनों में सॉल्यूशन बराबर देकर ये आप देख लीजिए, और एल्बो को सीधा कर लेता हूँ। ये अब शावर फिटिंग हो चुका है और ठंडा पानी का भी कनेक्शन हो चुका है। अब यहाँ से दोस्तों गीजर का पॉइंट ऊपर से आ रहा है, ऊपर गीजर लगने वाला है, तो इसका भी पॉइंट मैं ऊपर यहाँ से लेकर ऊपर छोड़ूंगा पॉइंट एल्बो का पॉइंट। तो वहाँ से गीजर लगेगा तो वहाँ से पानी आएगा डायरेक्ट। ये आप देख लीजिए, 45 को मैं सीधा कर लेता हूँ लगाकर, और बिल्कुल शॉर्टकट तरीका है दोस्तों। अगर आप ऐसे आप काम करते हो आपका खर्चा बहुत ही बच जाएगा, आप आसानी से, और काम भी आपका बेहतरीन होगा। तो क्या आप लाइफ टाइम कोई भी मेंटेनेंस नहीं आएगा दोस्तों, ये जो काम हो रहा है कभी भी मेंटेनेंस नहीं आएगा, अगर आएगा भी तो बहुत कम खर्चा होगा, मतलब मेंटेनेंस ना के बराबर। आप समझ लीजिए कोई भी काम करते हो तो लॉन्ग टाइम के बाद थोड़ा बहुत मेंटेनेंस तो आता है, तो मेंटेनेंस अगर ज़्यादा खर्चा वाला आता है तो बाद में बहुत दोस्तों प्रॉब्लम होता है लीकेज का, तो कभी प्रॉब्लम नहीं आएगा अगर आप ऐसे काम करोगे तो। यहाँ पे आप देख लीजिए गीजर के लिए ऊपर गीजर लगने वाला है, तो डबल एक हॉट वाटर का और एक कोल्ड वाटर का पॉइंट का मैं वहाँ पर पॉइंट एल्बो रख रहा हूँ, और इस वाल में इस साइड में दोस्तों गीजर लग जाएगा।
आप देख लीजिए। अब स्पाउट के लिए मैं पॉइंट कर देता हूँ, यहाँ पे भी 45 और एल्बो से करूँगा, आप देख लीजिए। तो ये बिल्कुल डायवर्टर का काम करेगा, यानी डायवर्टर जैसा काम करेगा, और दोस्तों कंथिल में रहेगा तो दिखेगा भी अच्छा। और ये जो दोस्तों मेंटेनेंस इसमें बहुत कम आएगा, और पानी का फ्लो भी डायवर्टर से ज़्यादा आएगा, क्योंकि उसमें कटेज रहता है और इसमें स्पेंडल रहेगा। तो अगर आपका बाथरूम से टैंक का हाइट कम होता है तो यहाँ पे उसके वजह से दोस्तों डायवर्टर से इसमें पानी का प्रेशर ज़्यादा आएगा, क्योंकि कॉटेज का होल काफ़ी छोटा होता है। यहाँ पे आप देख लीजिए बिल्कुल लेवल हो चुका है, और मैं आपको हाइट मेजरमेंट बता देता हूँ दोस्तों। फ्लोरिंग का टॉप लेवल से यहाँ पे आप देख लीजिए 25 इंच हाइट में नीचे 2.11 का पॉइंट मैं रखा हूँ, और 1 मीटर दोस्तों कंसील मिक्सर का सेंटर, और सेंटर टू सेंटर 7.5 इंच गैप, जैसे ऊपर कंसील मिक्सर का गैप है बिल्कुल सेम वैसा ही रखा हूँ ताकि ख़राब ना दिखे। यहाँ पे आप देख लीजिए, और शावर दोस्तों 80 इंच हाइट में रखा हूँ, यानी 6.5 फीट से ज़्यादा, और ऊपर के साइड में गीजर लग जाएगा। यहाँ पे आप देख लीजिए लेफ्ट साइड से गर्म पानी का कनेक्शन और राइट साइड से ठंडा पानी का कनेक्शन, और ऊपर के साइड में गीजर लगेगा, और नल का पॉइंट एक स्पाउट का और एक डायरेक्ट दोस्तों नल लग जाएगा। तो क्या है दोस्तों बिल्कुल अच्छा दिखेगा, एक लेवल में रखा हूँ इसीलिए वहाँ पे। तो अब मैं यहाँ पे आपको अपर पार्ट ला के बताऊँगा इसका, ऊपर का ग्लोसी, मतलब ये जब टाइल्स लगेगा तो उसके बाद में कैसा दिखेगा, मैं आपको एक बार ला के दिखा देता हूँ। आप देख लीजिए इसका मैं ये ग्लोसी लगा देता हूँ फटाफट, और इसमें प्लेट और नॉब लगाऊँगा, इसको लगा देता हूँ। यहाँ पे आप देख लीजिए, अब मैं इसमें प्लेट पुश कर देता हूँ, तो ये आप देख लीजिए शानदार लग रहा है। अगर आप लेवल करके सही से लगाओगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगा। ये देख लीजिए जो भी गैप है वहाँ पे अभी टाइल्स लग जाएगा, और उसके बाद में दोस्तों ये लगेगा, और तीनों नॉब को आपको ऐसे सीधा करके रख देना है, आप देख लीजिए। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगता है वीडियो लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, बाय बाय।